हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास BA फाइनल ईयर है और फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो हम इसमें ऑल माय सन्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। आज मैं उसका आपको सेवेंथ पार्ट, जो आखिरी पार्ट है जिसमें हम 14 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, इसके साथ ही आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट 71st है। व्हाट डज क्रिस मीन बाय टेलिंग हिज फादर दैट द लेटर डज नॉट सी बियॉन्ड हिज फैमिली एंड बिजनेस? क्रिस का ये कहने का अपने फादर को क्या मतलब था कि वो फैमिली और बिजनेस को नहीं देखेगा? क्रिस क्रिटिसाइज द नैरो विज़न ऑफ हिज फादर। वो अपने फादर के नैरो विज़न, मतलब कि उसका फादर की इम्पॉर्टेंस क्या थी? अकेली फैमिली, ठीक है, पर क्रिस की इम्पॉर्टेंस क्या थी? पूरी कंट्री। तो अपने फादर के नैरो विज़न को वो क्रिटिसाइज़ कर रहा था। जॉक हेलर कैन नॉट सी बियॉन्ड हिज फैमिली एंड बिजनेस। जॉक हेलर आपको अपनी फैमिली और बिजनेस के बिना और कुछ दिखाई नहीं देता था। ही फील्स नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लार्जर फैमिली ऑफ ह्यूमैनिटी। जॉक हेलर जो है उसमें ह्यूमैनिटी, इंसानियत का कोई नाम नहीं था। इन द वर्ल्ड क्रिस रूल्स वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस। क्रिस राइजेस वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, उसने बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन उठाया। दिस क्वेश्चन आर पुट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये क्वेश्चन सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए था। एंड वी हैव टू आंसर दैम एट वन टाइम और अदर। और हम उसका आंसर जो है एक टाइम या दूसरे टाइम में दे सकते हैं। नेक्स्ट बिट आप क्वेश्चन छोड़ दो, ये नहीं करना, इम्पॉर्टेंट नहीं है। 73, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। एक सिद्धांत एक्सप्लेन करना है आपने। दिस इज़ द लैंड ऑफ द ग्रेट बिग डॉग्स। ये धरती है जो बड़े बड़े डॉग्स की है। वेयर वन मैन ईट्स अदर, जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा है। डिक्लेयर्ड बाय क्रिस, ये क्रिस द्वारा बोली गई, इसका क्या मतलब है? क्रिस एक्सप्रेसेस हिज बेटर क्रिटिसिज्म ऑफ द वर्ड बाय द वर्ड। वो इन चीज़ों से, इन वर्ड से क्या कर रहा है, इस लाइन से वर्ड को क्रिटिसाइज कर रहा है। वो कहता है दिस इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट बिग डॉग, यू डोंट लव अ मैन हियर। तुम आदमी को यहाँ प्यार नहीं करते। यू ईट हिम, तुम उनको खाते हो। क्रिस एक्सप्लेन्स दैट द वर्ड इज़ रूल्ड बाय ग्रेट बिग डॉग्स। क्रिस कहता है कि ये वर्ड है जो उसको किसने वो किया है, रूल किया हुआ है, बड़े बड़े कुत्तों ने किया हुआ है। लव इज़ नॉट इन द रूल ऑफ दैम, लव प्यार इसमें कहीं भी नहीं है। हेयर मैन लिव लाइक एनिमल, यहाँ पे आदमी जानवरों की तरह रहता है। दे ईट अप वन अनदर, वो जो एक दूसरे को खा जाते हैं। द मोस्ट पावरफुल ऑफ दिस सर्वाइवर एंड रूल द वर्ल्ड, जो मोस्ट पावरफुल होता है, जैसे कि एनिमल में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, टाइगर है, तो वो जंगल का राजा है। इसी तरह कहते हैं कि दुनिया में ह्यूमन बीइंग में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वो अपना रूल कर लेता है। दैट इज़ द ओनली वे वन कैन लिव सक्सेसफुली इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन, ग्रीड एंड हर्ट। तो इस तरह से एक आदमी जो दुनिया में रहता है पूरे सक्सेसफुल होकर, इस वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन में भी, लालच में भी और नफरत में भी। वट ऑब्जर्वेशन डिड क्रिस अबाउट मनी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले? किस तरह से बताया उसने अपनी ऑब्जर्वेशन जॉक हेलर ने? जॉक हेलर सेज दैट ऑल मनी इज टेंटेड विद डिसऑनेस्टी। उसने कहा कि सारी मनी जो है डिसऑनेस्टी, बेईमानी से कमाई गई है। देर इज़ नो सच एज, इसमें कोई भी क्लीन मनी नहीं है। वट एवर इट इज़ अ वॉर और पीस, चाहे युद्ध हो चाहे शांति हो, मनी इज़ ऑलवेज अनक्लीन। मनी, पैसा हमेशा ही अनक्लीन होता है। इट इज़ नेवर बी क्लीन, इसको कभी भी साफ नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, पैसा हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है। तो इस तरह से पैसे को कभी भी हम साफ नहीं कर सकते। वाई डज क्रिस कॉल द वर्ड अ जू? क्रिस वर्ड को जू क्यों कहता है? क्रिस इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ द वर्ड। क्रिस क्रिटिकल कर रहा है वर्ड को। ही सेज दैट द वर्ल्ड इज़ रन बाय द ग्रेट बिग डॉग्स। द पीपल बिहेव लाइक एनिमल, यहाँ पे लोग जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। दे डू नॉट लव वन अनदर, वो एक दूसरे को प्यार नहीं करते। दे ईट अप वन अनदर, वो एक दूसरे को खा जाते हैं। इट इज़ अ वर्ल्ड बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन, ग्रीड एंड हेटेड। वो कॉम्पिटिशन, ग्रीड और हेटेड, लालच नफरत और कॉम्पिटिशन में लगे रहते हैं। टू हिम द वर्ल्ड इज़ लाइक अ जू, उसके लिए ये पूरा दुनिया क्या एक जू थी। इट इज़ अनहैबिटेड बाई एनिमल्स, जो कि एक एनिमल्स के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज केलर डिक्लेयर दैट हाफ द सेंचुरी शुड गो टू जुएल विद हिम? केलर ये क्यों डिक्लेयर करता है कि हाफ द कंट्री जो है, एक कंट्री हाफ
हाफ कंट्री को जेल में जाना चाहिए उसके साथ। तो कैलर इज़ नॉट द ओनली, कहते वो अकेला ऐसा मेल नहीं था जिसने इस वॉर में पैसा कमाया हो। देयर वर थाउजेंड देम इन इंडिया हु असाइड मनी आउट ऑफ द वॉर। वो दुनिया में कहते थाउजेंड लोग ऐसे हैं, कई हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके से पैसा कमाया है। टू देम द वॉर वॉज अ बिग ट्रेजर, उनके लिए तो ये एक वॉर एक बिग ट्रेजर बन गई है। देर इज़ नो पॉइंट इज़ ऑनली जो गोइंग टू जेल, कहता ये कोई पॉइंट नहीं है कि अकेला इसके लिए जो ही जेल में जाए। इफ़ क्रिस वॉन्ट्स टू सेंड हिम टू जेल ही विल हैव टू सेंड द हाफ ऑफ द कंट्री टू जेल, कहता कि क्रिस चाहता है कि जो कैलर जाए जेल में तो उसके साथ हज़ारों लोग हैं जो आधी कंट्री उसके साथ जेल में जाएगी। What do the words they were all my sons tell us about Joe Keller? Joe Keller ऐसा क्यों कहता है कि वो सारे मेरे लड़के थे। The words show the change in Joe Keller's thinking. ये word Joe Keller की thinking change आ गई उसको कहते हैं। His vision has explained them by बिजनेस ऑफ हिज फैमिली बिजनेस, वो कहते हैं कि उसने फैमिली के लिए बिजनेस चलाया था। नाउ ही हैज़ एम्प्लॉयड टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर अब उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवेल्प हो चुकी है। ही हैज़ इट अंडर ऑब्लिगेशन टू द अमेरिकन सोसाइटी एंड टू द वर्ल्ड ऑफ लार्ज, अब उसमें चेंज आ गया है, वो अमेरिकन सोसाइटी की ऑब्लिगेशन करता है एंड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, और इस पूरे वर्ल्ड को लार्ज करने की कोशिश कर रहा है। What happened to Debra's family after he was sent in jail? Debra की family को क्या हुआ था जब वो जेल चला गया था। Debra's family के जो डेम उसकी वाइफ डॉटर एना और जॉर्ज थे लेफ्ट फॉर द न्यूयॉर्क, वो सब घर छोड़ के न्यूयॉर्क चले गए थे सेटल डाउन, और वहाँ में सेटल हो गए थे। जॉर्ज लॉयर बन गया था। डेवर लेफ्ट बिकॉज दे हैव अ करेज टू फेस द पीपल, डेवर्स लेफ्ट वो सभी वहाँ से चले गए थे क्योंकि उनमें लोगों को सका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या टाइटल है, ऑल माय सन अप्रोप्रिएट है। जॉ कैलर एग्री दैट लैरी वॉज हिज सन, जॉ कैलर एग्री करता है कि वो उसका सन था। बट हिज सन्स लेटर मेक इट क्लियर इन टू हिम दैट ऑल दोज वायलेट हु डाइड वर आल्सो हिज सन, पर लैरी का लेटर पढ़ने के बाद उसको क्लियर हो जाता है कि बाकी तो लैरी का लेटर पढ़ने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि वो भी उसके मरे हुए जो पायलट है वो उसके सन थे। एंड इफ़ ही हैड किल्ड देम, अगर उसने उनको मारा है, ही हैज़ ऑल्सो किल्ड हिज ओन सन, तो उसने अपने लड़के को भी मारा है। लैरी किल्ड हिमसेल्फ टू मेक हिज फादर रियलाइज द ट्रुथ, लैरी अपने आप को ख़त्म कर लेता है ताकि फादर को अपनी गलती का एहसास हो। दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ ऑल द यंग मैन हु फाइट इन द वॉर, ताकि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फील करें, जो पायलट वॉर में लड़ रहे थे वो उसकी वजह से मारे गए। इट इज़ अ टाइटल एंड इट इज़ अप्रोप्रिएट, इसलिए टाइटल है जो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें ऑल माय सन्स मतलब उन 21 पायलट्स के ओ को जस्टिस दिलाने की बात ही चल रही है। नेक्स्ट बेटा 80 क्वेश्चन आप छोड़ दो, 81 देखो। वट वॉज द मिस्ट्री बिहाइंड द डिस्पेयरिंग ऑफ लैरी, लैरी के गायब होने के पीछे क्या मिस्ट्री थी। द डिसअपीयरेंस ऑफ लैरी क्रिएट्स क्या करता है वो, मतलब एक सिग्निफिकेंस क्रिएट करता है। राइट फ्रॉम द हैपनिंग ऑफ द प्ले, जब बिगनिंग शुरू होती है प्ले की, देर आर मैनी रेफरेंस टू लैरी, लैरी के बहुत सारे हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। उसका एप्पल ट्री हो गया, उसका बर्थ मंथ हो गया, उसकी गर्ल एना हो गई। फ्रॉम एनास लेटर, एना के लेटर से हमें पता चलता है, वी कम टू नो दैट ही हैड रीड इन द पेपर ऑल अबाउट ट्रायल ऑफ जॉ कैलर, उसके जॉ कैलर के जो उसने गिल्टी की थी जॉ कैलर ने, उसके बारे में उसको पढ़ने को मिलता है। एंड स्टीव डेवर के बारे में, ही वॉज शॉक्ड बाय द, वो शॉक्ड हो जाते हैं कि वो ट्रैगिक डेथ थी 21 इनोसेंट पायलट्स की। हिज फादर वॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ, वो उस पर लिखा होता है कि उसके फादर हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन सभी की मौत के जिम्मेदार हैं। He crashed his plan of the cost of China to atone for the sin of his father. तो वो अपना प्लेन है जो वो क्रैश कर लेता है चाइना के बॉर्डर पे जाके, ताकि उसके फादर के पाप को वो खुद ले सके। How many pilots died in the aircraft crash? कितने पायलट्स मरे थे? 21. What did Kelleary write to Lara in his
लास्ट लेटर क्या लिखा था उसने, ही सेड दैट ही सेड इन द लास्ट लेटर टू एना दैट ही वॉज शॉक्ड बाय द डेथ ऑफ 21 इनोसेंट पायलट. वो उसको शॉक लगा था कि 21 इनोसेंट पायलट मारे गए थे और उसका फादर इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो ही वॉज गोइंग ऑन अ, तो वो क्या करने जा रहा है, नेवर टू रिटर्न, कहता है वो मिशन पे जा रहा है और कभी भी वापस नहीं आएगा. व्हाट डज द एप्पल ट्री सिग्निफाई फॉर कैट, एप्पल ट्री क्या बता रहा था कैट को, द ब्रोकन एप्पल ट्री मिटन टू कैट फॉर द फॉर मिटन फॉर कैट दैट हर सन वॉज अलाइव. उसको लगता था कि एप्पल का ट्री टूट गया, इसका मतलब ये है कि लैरी है जो लाइव है, जिंदा है और वो वापस ज़रूर आएगा. ठीक है बेटा, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके बेटा, इसके साथ ही आपका प्ले है जो कम्प्लीटली जो है कवर हो गया है. इसके बाद हमें आपको आपकी जो सिलेबस में दूसरा पार्ट है वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप इन जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से समझ लो. ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे.